2016 की कोरियन मूवी अ मेलोडी टू रिमेम्बर, डायरेक्टर ली हान, आईएमडीबी रेटिंग 7। 1945, 15 अगस्त के दिन कोरिया को जापान से आजादी तो मिल गई, मगर उसके बाद देश दो विचारधाराओं में बट गया, अमेरिका लोकतांत्रिक और रूस साम्यवादी में, जिसने देश के बीचों बीच एक रेखा खींच दी, 38 पैरेलल लाइन, जिसके उत्तर में रूस को समर्थन मिला और दक्षिण में अमेरिका को, और देश एक और लंबे युद्ध में फंस गया। साल 1951, लेफ्टिनेंट हानसांग की पलटन दुश्मनों से जूझ रही है, उनकी सेना की टुकड़ी छोटी है और गोला बारूद भी कम है। उन्होंने जंगल में छुपे दुश्मनों के ठिकाने का पता तो लगा लिया है, मगर हवाई सेना ने आने में देरी कर दी। लेफ्टिनेंट हान के सभी जवान मारे गए। वहीं कुछ दूर एक गांव में डोंग्यो और सोई की मां की आज परसी है। छोटी बहन को डोंग्यो बहुत प्यार करता है। वो उसे हंसाने की कोशिश करता है कि तभी उनके बाबा लौट आते हैं। वो उनके लिए बाजार से पतंग लाए हैं। दोनों बच्चे पतंग उड़ाते हुए गांव के बाकी बच्चों के साथ भागने लगे। तभी वहां से चौकसी को जाते देख सोई दौड़कर उसके पास आई। वो उनका पड़ोसी है। सोई ने पूछा, तुम हमारे साथ अब खेलने क्यों नहीं आते? पर चौकसी ने सोई को धक्का देकर गिरा दिया और दोनों भाई बहनों को गुस्से भरी नजरों से देखा। उन्हें साम्यवादी दल का होने के लिए गाली भी दी। अब डोंग्यो, सोई और बाकी बच्चे उनके बाबा के साथ कहीं जा रहे हैं। उनकी गाड़ी पे रूस का झंडा लगा है और पीछे बैठे बच्चे साम्यवादी दल का कोई गीत गा रहे हैं। सोई ने पूछा, भैया चौकसी तब क्या कह रहा था और वह हमारे साथ क्यों खेलने भी नहीं आता? डोंग्यो खामोश है। तभी बाकी बच्चों में से किसी ने कहा, क्योंकि उसके बड़े भैया को तुम्हारे बाबा ने पुलिस से जो पकड़वा दिया है वो बचेगा नहीं। ये सारी बातें समझने के लिए सोई अभी नादान है। असल में 38 पैरेलल लाइन के सरहद के करीब होने से इस गांव में अमरीकी और रूसी दोनों का दबदबा है। कभी एक धौंस जमाता है तो कभी दूसरा, और गांव वालों को अपनी जान बचाने के लिए उनका साथ देना पड़ता है। एक ही गांव से होने के बावजूद चौकसी का भाई अमरीकी सेना के समर्थन में था। अपनी और अपने बच्चों की जान बचाने के लिए डोंग्यो और सोई के बाबा को चौकसी के भाई को रूसियों के हवाले करना पड़ा। वो लोग अभी थोड़ी दूर गए ही थे कि सामने से अमरीकी सैनिक की गाड़ी आती दिखाई दी। तुरंत उनके बाबा ने रूस का झंडा छुपा दिया। वो अपनी और बच्चों की जान बचाने के लिए दल बदलता रहता है, पर गड़बड़ तब हो गई जब बच्चों से पूछा कि वो क्या कर रहे थे, और सोई ने वो रूसी गीत गाकर सुना दिया। फिर क्या, उन सबको पकड़कर उस गांव ले जाया गया जहाँ के लोगों को रूसियों ने मारा था, और उसके बाबा को पीट पीट कर मार दिया गया। उन बच्चों को रोता देख थोड़ी दूर में तैनात लेफ्टिनेंट हान को वो समय याद आ गया जब उनके शहर में कोरिया सेना ने धावा बोल दिया था और वो सैनिकों के सामने गिड़गड़ा रहा था कि वो उनकी सेना में भर्ती होने को तैयार है, वो कुछ भी करेगा, बस मेरी बहन को कुछ मत करना, वो बहुत छोटी है। उस रात वो लोग किसी तरह कुएं में छुपे थे और उन पर अंधाधुंध गोलियां चला दी गई। कोई नहीं बच पाया सिवाय हान के। अब डोंग्यो और सोई अपने बाबा के शव को एक छोटी गाड़ी में ढोकर ले जा रहे हैं। दोनों ने नन्हे हाथों से उन्हें दफन किया और रात जंगल में बिताई। बाबा ने कहा था कि कुछ भी हो उन्हें दक्षिण की तरफ बढ़ते रहना होगा। कुछ समय और बीत गया। भूसान की सेना कैंप में लेफ्टिनेंट हान का तबादला हुआ है। यहाँ के जनरल ने कैंप के अंदर उसकी ड्यूटी एक अनाथालय में लगाई है, जहाँ वो बच्चे रहते हैं जिन्होंने युद्ध में परिवार खोए हैं। चूंकि हान ने संगीत लेकर पढ़ाई की है, उसे यहाँ का मैनेजर बनाया गया। यही वो अपने एक पुरानी साथी सर्जन जो से भी मिला, जो से यहाँ के हेडमास्टर पार्क जो से मिलवाने ले गया। पार्क जो ने विदेश में पढ़ाई की है, वो अपना अच्छा भविष्य बना सकती है, पर फिर भी यहाँ युद्ध के बीच एक अनाथालय में काम कर रही है जिसकी तनख्वाह भी ज्यादा नहीं है। पूरा बाजार शरणार्थियों से भरा है, खाने को दो वक्त की रोटी का ठिकाना नहीं, भूखे नंगे बच्चे लावारिस पड़े हैं। युद्ध की मार बेकसूरों पे ही सबसे ज्यादा पड़ती है। तभी एक बच्चा पार्कजो की बैग लेकर भाग गया। उसके चेहरे पे एक पल के लिए हान की नजर रुक गई। वो बच्चा डोंग्यो है। हालत ऐसी हो गई है कि वो बच्चे चोरी करने पे मजबूर हो गए हैं। उनका पीछा करते हुए वो एक बस्ती जा पहुंचे जहाँ उसके जैसे कई और बच्चे रहते हैं जो सभी ली के लिए काम करते हैं। वो उनसे चोरी करवाता है, भीख मंगवाता है और बदले में छत और खाना देता है। वहाँ पार्कजो और बाकी लोगों को देखकर वो घबरा गया और दिखावे के लिए चोरी करने की सजा देने लगा।
पाकजो ने बीच बचाव करते हुए वहाँ के बच्चों को कहा, अनाथालय के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले रहेंगे। और ये बात ली को पसंद नहीं आई। उन बच्चों को देख हान को कुछ पुरानी बातें याद आ गई। उस रात उसने बहुत पी ली, पता ही नहीं चला कब भोर हो गई। अब वो अनाथालय के चर्च पे पियानो बजा रहा है। उसके संगीत की धुन सुनकर सभी लोग आकर्षित हो गए। अगले दिन साजन जो को एक दंगे की खबर मिली, साथ हान भी हो लिया। यहाँ सबकी नजर छुपाकर डोंगी और उसका दोस्त उनकी गाड़ियों के पीछे लटक गए। वारदात की जगह पहुंचकर वो बच्चे मरे लोगों के कपड़ों की जेब और सामान में पैसे या कोई कीमती सामान ढूंढने लगे, क्योंकि दिन के आखिर में उन्हें ली को कुछ लाकर देना पड़ता है। डोंगियों के दोस्त को एक इस्तेमाल किया हुआ मिसाइल का टुकड़ा कहीं से मिला। वो उसे पाकर बड़ा खुश है, कहता है इसे गलाकर पीतल निकालूंगा और उसे बेचकर हम बहुत सारी टॉफियां खरीद सकते हैं। अब वापस सेना छावनी लौटकर हान ने ली को वहां से कुछ बोरियों में राशन का सामान ले जाते हुए देखा। साजन जो ने बताया, ली पहले एक सैनिक था, फिर एक धमाके में अपाहिज हो जाने से हमारे छावनी के जनरल ने उस पर रहम दिखाई, मगर समय के साथ उसकी गैरकानूनी हरकतें बढ़ने लगी और आज वो जापानी माफिया के संपर्क में भी है। अब इस इलाके में कोई उसे हाथ भी नहीं लगा सकता, यहाँ तक कि जनरल भी नहीं। इधर ली के पास एक आदमी मिस्टर जिनवुक आया और कहा कि उसे पेट्रोल चाहिए जो कि सरकार कोरिया की सेना को बेहिसाब देती है। दरअसल वो जापानी गैरकानूनी तस्करी करता है। ली बोला, सेना छावनी में चोरी नहीं की जा सकती, वो खतरा में बच्चों को उठाने नहीं दे सकता। लेकिन जिनवुक सरफिरा आदमी है, उसे जो चाहिए वो लेकर रहता है। इस धंधे में रहना है तो ली को तो उसका काम जैसे भी हो करना पड़ेगा। अब एक सुबह हमें सोई दिखी, वो अब फूल बेचने का काम करती है। उसे आज एक रोटी जमीन पर गिरी मिली, वो खुशी से उसे लेकर डोंगियो को दिखाती है। डोंगियो जूते पॉलिश का काम करता है। उसने पूछा, तुमने चोरी तो नहीं की ना? डोंगियो भले ही अपना और बहन का पेट पालने के लिए चोरियां करता है, मगर उसे मालूम है कि ये गलत है और नहीं चाहता कि उसकी बहन ये सीखे। तभी वहाँ सर्जन जो और हान आ पहुंचे। सर्जन ने उन्हें जूते पॉलिश करने के बदले पैसे और कुछ खाने का सामान दिया। सोई ने खुश होकर सामने दुकान पर काम करे डोंगियो के उसी दोस्त को भी बुलाया। मुश्किल से मिले खाने को भी वो बांट कर खाते हैं। जिंदगी उनसे सब कुछ तो नहीं छीन सकी। उस दिन मिले मिसाइल के टुकड़े को वो छैनी हथौड़े से खोलने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले कि हान उस तक पहुंच पाता, वो फट गया और उस बच्चे के चिथड़े भी ना मिले। परिवार के रूप में मिले दोस्त को खोकर दोनों भाई बहन बहुत रोए। ये सब देखकर हान को रात भर नींद नहीं आई। वो सोचता रहा कि इन बच्चों को कैसे सुरक्षित रखे, कैसे उन्हें गलत रास्ते पर जाने से रोके। और उसे एक विचार आया। वो पार्कजो को लेकर जनरल के पास गया और बोला कि वो बच्चों को जंग के मैदान से दूर और सुरक्षित रखने के लिए उन्हें गाना सिखाना चाहता है। इससे अनाथालय और बाकी सड़क पे झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले बच्चों का दिमाग एक जगह रहेगा, उन्हें पढ़ने का मौका दिया जाएगा और सेना का भी मनोरंजन होगा। पहले तो जनरल राजी नहीं हुआ, क्योंकि इतने बच्चों को रखने का खर्चा बहुत होगा। पर वही बैठे ली ने जब हान की बात का समर्थन किया तो जनरल भी मान गया। हान को ली पे शक तो हुआ, क्योंकि इससे तो उसके यहाँ रह रहे बच्चे भी छावनी में आ जाएंगे जो उसकी कमाई का जरिया है, तो ये इतना खुश क्यों है। वापस जाकर उसने उन बच्चों को चुनना शुरू किया जो अच्छा गाते हैं, ताकि उस अनाथालय में दाखिला मिल जाए जो सेना छावनी के अंदर है। डोंगियो काफी अच्छा गाता है, मगर वो सोई के बिना कहीं नहीं जाएगा, क्योंकि बाबा ने कहा था कि कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ना। उसे मजबूरन दोनों को साथ भेजना पड़ा। अब अगले दिन ली के बच्चे अपना गाना सुनाने पहुंचे। बाकी बच्चों के बाद जब डोंगियो की बारी आई, उसके गीत ने वही बैठे सभी के मन के तार जोड़ दिए। उसकी आवाज इतनी ही रूहानी है। अगले दिन बाकी बच्चों के साथ दोनों भाई बहन को भी अनाथालय में जगह मिल गई। उन्हें नरम बिस्तर, साफ कपड़े और भर पेट खाना मिलेगा। इन हालातों में इससे ज्यादा वो और क्या चाहेंगे। मगर सब कुछ इतना आसान भी नहीं। यहाँ भी बच्चे दो गुटों में बैठे हैं, एक जिनके माँ बाप अमेरिका का समर्थन करते थे और उनको रूसियों ने मारा है, और दूसरे जिन्हें अमरीकी सैनिकों ने मारा है क्योंकि वो रूसी पार्टी का समर्थन करते थे। यहाँ डोंगियो का वही पुराना पड़ोसी चौकसी भी है जिसके भाई को उसके बाबा ने पकड़वाया था। इनका एक होना तो जैसे नामुमकिन लगता है। हान ये सब देख रहा है। एक दिन प्रैक्टिस के दौरान डोंगियो ने सबको गाते हुए देखा सिवाय सोई के। उसने अकेले में उसे कहा, तुम अगर गाना नहीं गाओगे तो हमें यहाँ रहने नहीं देंगे।
सोई ने रोते हुए कहा, मेरे गाने से बाबा मारे गए, फिर से गाने से अगर तुम्हें कुछ हो गया तो, इसलिए मैं अब कभी नहीं गाऊंगी। डोंग्यू ना समझ बहन को समझा ना पाया कि बाबा के चले जाने में उसकी कोई गलती नहीं थी। अब उस रात ली ने डोंग्यू को अकेले आने को कहा। वो तार के उस तरफ से डोंग्यू को एक पाइप पकड़ाता है जिसे उसे पेट्रोल के ड्रम से जोड़ना है ताकि ली तेल चुरा सके। डोंग्यू को समझते देर न लगी कि क्यों उसने उसे यहाँ आने दिया है। धमकाते हुए ली बोला, अगर किसी से कुछ कहा तो वो सोई को कहीं बेच देगा। इसके बाद वो इस तरफ से हर रात तेल की चोरी करने लगा। एक दिन जनरल ने हान को बुलाकर कहा, तुम बहुत दिनों से बच्चे को सिखा रहे हो, चलो अब एक कार्यक्रम रखा जाए। बच्चे अभी पूरी तरह तैयार तो नहीं है, पर हान के पास और कोई रास्ता भी नहीं। अब यह ली जनरल से कहकर अपने बस्ती के बच्चों को एक दिन की छुट्टी पर ले गया। वो दरअसल उन्हें इसीलिए लाया है ताकि काम करवा सके, क्योंकि जिनवोक आज तेल लेने आ रहा है। उसके आते ही बच्चे उसकी गाड़ी साफ करने वगैरह कामों में लग गए। अब यहाँ जिनवोक की नजर मासूम सोई पर पड़ी। वो उसे पास बिठाता है और कुछ मीठा देने के बहाने गलत तरीके से छूता है। बिन माँ बाप के बच्चे किस तरह शोषण का शिकार बनते हैं। तभी डोंग्यू वहां आकर उसे ले गया। एक दिन रात में चौकसी ने डोंग्यू को तेल चुराते हुए पकड़ लिया। बच्चों ने मिलकर उसे बहुत मारा और सुबह सुबह हान से इस बात की शिकायत करती। अब इधर डोंग्यू को बिना डांटे हान ली के पास जाकर उसे बच्चों को गैरकानूनी काम करवाने के लिए धमकी दी। पहले तो ली ने उसे घूस में कीमती सामान देकर मुंह बंद करना चाहा, पर जब बहस बढ़ गई तो वो बोला, यहाँ हर कोई जीने के लिए लड़ रहा है, मैं भी। अगर तुम मेरे काम के बीच में आए तो अच्छा नहीं होगा। हान ने उसे बच्चों से दूर रहने की धमकी देकर चला आया। अब वो दिन जल्द आने वाला है जब बच्चों को सबके सामने गाना होगा। तैयारी अभी भी बाकी है। यहाँ डोंग और चौकसी साथ गाते हुए भी साथ नहीं है। उनके आपसी झगड़े को खत्म करना जरूरी है। हान ने दोनों को सामने बुलाकर कहा, चलो तुम दोनों के झगड़े का किस्सा खत्म करते हैं। आज तुम दोनों यहाँ लड़ोगे। मैं देखना चाहता हूँ ऐसे लड़कर क्या एक दूसरे को मारकर तुम्हारे अपने वापस आ जाएंगे। क्या इसके बाद तुम्हारी तकलीफें खत्म हो जाएगी? दोनों खामोश खड़े हैं। फिर हान ने कहा, ठीक है तो फिर हम संगीत के जरिए लड़ते हैं। और दोनों को एक ही गाना अलग अलग स्केल में गाने को कहा। ताजुब की बात है, एक ऊपर और दूसरे के नीचे स्केल में गाने से जो लय और ताल का मिलन हुआ है वो कानों को बड़ा अच्छा लग रहा है। वो दोनों खुद भी हैरान है, दोनों साथ में गा रहे हैं वो भी इतना अच्छा। तब हान बोला, लड़ो लेकिन इस दुनिया को बेहतर जगह बनाने के लिए, वही असली लड़ाई है। तुम्हारे बाप या भाई ने जो रास्ता चुना या जो भी किया उस पे तुम दोनों का कोई हाथ नहीं था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगा और कार्यक्रम का दिन आया। सबकी उम्मीदों से भी बेहतर बच्चों ने गाना गाया, क्योंकि उनमें से हर एक यहाँ अपने सर पर अनाथालय की छत के लिए गा रहा है। हान को हमेशा डोंग्यू और सोई को देखकर अपनी बहन की याद आ जाती। जिस तरह से वो उसकी परवाह करता है, खुद से पहले उसे खिलाता है, सुलाता है। वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी एक बच्चे ने आकर कहा, ली डोंग्यू और सोई को अपने साथ ले गया है, यहाँ जिनवोक आया है। वो ली से बातें कर ही रहा था कि उसकी नजर फिर से सोई पर पड़ी और उसे गोद में उठाने के बहाने यहाँ वहाँ हाथ लगाने लगा, फिर एक लिपस्टिक जबरदस्ती उस पे थोपने लगा। ली ने उसे दो चार बार रोकने की कोशिश भी की मगर वो नहीं सुना। तभी हान ने वहां आकर जिनवोक को मारना शुरू किया। उसके बचाव में ली बीच में आया। अब हान और उसके बीच लड़ाई हो गई। बात मारने मरने पर उतर आई और ली पानी में गिर गया। उसे तैरना नहीं आता, हान ने ही उसकी जान बचाई। वो समझ गया कि हान का गुस्सा जायज है, ली ने बच्चों के साथ गलत किया है। उसकी जरूरत कब लालच बन गई उसे पता ही नहीं चला। अपने पैरों पर खड़े होते ही उसने जिनवोक को इतना मारा कि वो फिर कभी इस तरफ आने की गलती नहीं करेगा। अब जल्द ही पहले शो की कामयाबी के बाद देश के अलग अलग हिस्सों से बच्चों के गाने की मांग आने लगी। जनरल ने एक दिन हान को बुलाकर कहा, अगला शो उन्हें छोदेन में करने जाना होगा, लेकिन वो तो एक युद्ध का इलाका है। हान ने ये खतरनाक हो सकता है कहकर मना कर दिया, लेकिन जनरल भी अड़ गया। तब हान ने तय किया कि इस गाने के दल को अब खत्म करना होगा। वो बच्चों की जान दांव पर नहीं लगा सकता, मगर उनमें से कोई भी बच्चा उसके पक्ष में नहीं है। डोंग्यू ने कहा, आपको पता है
जंग का मैदान और मौत से ज्यादा क्या डरावना है, अपनों का हमें छोड़ जाना। यहाँ इस छत के नीचे हम एक परिवार है, हम सब साथ रहना चाहते हैं। इसी के साथ बच्चों का सफर एक जगह से दूसरी जगह शुरू हुआ। हान और पाकजो हमेशा साथ रहते। एक दिन रास्ते में थोड़ी देर के लिए पड़ाव डाला गया। उसी बीच वहां दो गुटों में गोलाबारी शुरू हो गई, जिसमें डांगियो और सोई फंस गए। पीछे से हान उनके बचाव में आ ही रहा था कि डांगियो से देखकर उठ खड़ा हुआ और एक गोली उसके सीने में भिड़ गई। जंगलों के बीच उचित चिकित्सा व्यवस्था न होने की वजह से डांगियो की हालत खराब है। हान के खून देने के बावजूद शायद वो बच नहीं पाएगा। होश आने पे उसने सबसे पहले हान का शुक्रिया किया, उसका साथ देने के लिए, उनका ख्याल रखने के लिए। वो सोई को देखना चाहता है, इतने दर्द में भी वो उसके सामने मुस्कुरा रहा है। उसने कहा, मैं तेरा गाना एक बार सुनना चाहता हूँ कि तू फिर ये कहीं ना सोचे कि बाबा तेरी वजह से मरे हैं। सोई उस वक्त कुछ बोल तो नहीं सकी, मगर रात में वो उसके पास गई और वो गीत गाया जो वो अपने गाँव में खेतों में गाया करते थे, जब घर था, बाबा थे और डोंगियो सोते हुए उस सुकून के दिनों में लौट गया, जहां वो दोनों अब भी बाबा की बाहों में सो रहे हैं। 1953 जुलाई, कोरिया गृहयुद्ध से आज़ाद हो गया है। रूसी और अमरीकी अपने अपने देश लौट गए, मगर यह आज़ादी आज बहुत भारी लग रही है। हर तरफ उत्साह होने के बावजूद ऐसा लग रहा है वो खुशी अब हमें छू नहीं पा रही, क्योंकि कितनों ने इसे पाने की आस में अपनी आंखें बंद कर ली है। आज भी हान बच्चों के साथ गाने का शो करता है, जिसमें सोई भी शामिल है। वो अपने घर को, बाबा को और डोंगियो को याद करते हुए आसमान की तरफ देखती है, जहां सितारे गवाह बनकर मौजूद हैं कि वो कभी उनके साथ थे। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हुई। अब विदाई लेती हूँ, नई कहानी सुनाने फिर आऊंगी। तब तक इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देते रहिएगा। बाय बाय, लव यू।